मौसम थोड़ा सा खराब जरूर, लेकिन देखिए ये रोमांच देखिए, ये दो बड़ी टीमों का दबदबा देखिए, दर्शक अभी भी बने हुए। मौसम खराब इससे कोई उनको आपत्ति नहीं, तो ये जोश नहीं तो क्या है। मैं खुद यहां खड़ा हूं इसी विजय लीग में, कट कट जाए लेकिन सीधे फील्डर के पास मत ही जाइए, टॉप गेंद भी नहीं गेंद तो जीत कर दिए। उसे कप्तान द्वारा पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, और 111 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में। एक बार फिर 9 नंबर के जश्न में सीनियर खिलाड़ी बॉलिंग माफे तैयार, मिस्टर शफी सामने करेंगे पंचों। ये छोटी गेंद और पूरा फायदा है टेस्ट मैन बिलर नाम है पंचो, और 6 रन की लेके ऐसी मारे गए उपस्थित। जी हाँ बिल्कुल, बालशाली खिलाड़ी, ताकतवर खिलाड़ी, दशाया स्टैंड लौटी मिडिल दिशा के ऊपर से चरण के लिए। आगा कसा शॉट फॉर्म की दिशा में खेलते सिंगल कसा संतुष्टि, टीम का स्कोर बढ़ते हुए 18 रन एक नुकसान पे। दर्शक बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि आप मास्क पहने रखिए, मौसम बहुत खराब है, जैकेट भी पहनिए और ग्लव्स भी पहनिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए, इस खराब माहौल में मास्क पहने रखिए, थोड़े से दूरी भी रखिए, या फिलहाल तो थोड़ा सा ठंड। दूसरे टीम के लिए तीसरा लेकर मोहम्मद शफी सीनियर खिलाड़ी सामने करेंगे आपको जवाब दोस्त। शॉट का प्रयास, कट का प्रयास किया था, गेंद निकल के कीपर के सामने, नतीजा कोई रन नहीं, बिंदी गेंद इस सुबह से अभी तक आ चुके हैं 8 रन, एक रिमार्क बाउंड्री और एक सिंगल, और कुछ इस प्रकार ये बहुत बढ़िया गेंद टपकाने के बाद शरीर की तरफ आई, नतीजा जाने दिया, एक और बिंदी गेंद शफी द्वारा कमाल की गेंदबाजी। इस खिलाड़ी को देख लीजिए, उम्र है 55 और दिल है 55, क्या कमाल का ये फिटनेस, युवा खिलाड़ी के साथ टीम में है, अपना एक्सपीरियंस शेयर, गेंदबाजी देखिए क्या कमाल की। 9 नंबर की जस्टिन मोहम्मद शफी का नाम, कट का गेंदबाज गेंद में खेला पीछे, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, बढ़िया फील्डिंग वहां पर मुस्तफा द्वारा, जब तक थ्रो करते आसानी से चुरा गया 2 रन। आज एक जादूगर की समाप्ति भी हो जाएगी, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टिकटॉक का स्कोर 20 रन एक नुकसान पे। बिल्कुल तर्जी बूंदा बांदी, ये लद्दाख का मौसम है, सुनहरा कभी रहता ही नहीं, कभी सुनहरा कभी खराब, तो ये क्रिकेट का मौसम है, लेकिन ठंड भी बहुत। मुकाबला तो बनाम यूएफसी, 3 ओवर डाले जा चुके यूएफसी के गेंदबाज द्वारा, 20 रन बना चुके बल्लेबाज टीटॉक द्वारा, एक बहुमूल्य विकेट चढ़का था शफी ने, मिस्टर शफी उनका नाम। या बताइए बातचीत आवश्यकता है, विकेट की दरकार यूएफसी को होगी और रनों की दरकार टिकटॉक को, कुछ ही क्षण में आपको ये पता चल जाएगा, आप बने रहे। सूचना के बता दो 18 करगिल वॉर हीरोज T20 क्रिकेट मुकाबला कुछ 40 दिन पहले इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, 40 टीमों ने भाग लिया था, पूरे लद्दाख के कोने कोने से इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले बड़ी टीम थे, 16 टीमें जिन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया,
आठ टीमें जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। और चार टीमें यूनाइटेड कुंजब, यूनाइटेड साबू, टिपटॉप और यूएफसी। और यूनाइटेड साबू और यूनाइटेड कुंजब की सराहना करनी होगी, टॉप फोर में वो जगह बनाने में कामयाब, 40 टीमों से उभर कर आए और सेमीफाइनल में साबू को मात दिया टिपटॉप ने और यूनाइटेड कुंजब को यूएफसी ने। लेकिन क्या कमाल का क्रिकेट को एक बढ़िया टीम उभरती हुई नजर आ रही इस साल इस 18वां करगिल वॉर हीरोज टी20 कप में। थोड़ा क्षण के लिए मैच रुका हुआ, थोड़ी सी चोटी लग रही है जिसके चलते फर्स्ट एड का जो कर्मचारी हमारे बॉक्स लेकर ग्राउंड के बीच कुछ क्षण बाद इस याद कुछ इस क्षण बाद इस मुकाबले को फिर से मैच को रिज्यूम किया जाएगा। दर्शक बने रहे, हम जानते हैं थोड़ा ठंड जरूर है, आप कैंटीन से चाय मंगवा लीजिए, थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन चाय बहुत स्वादिष्ट होगा। दर्शक बने रहे, अपना ख्याल रखे, उन सभी वीर गति शहीदों के नाम ये टूर्नामेंट समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपना जान गया, वीर गति प्राप्त हुए, इसीलिए इस टूर्नामेंट का नाम 18 करगिल वॉर हीरो कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट। एक मैसेज भी, सल्यूट द ब्रेव सोल्जर्स हु फॉट एंड वॉन टाइगर हिल कारगिल, यह मैसेज भी आप देख सकते हैं ठीक स्टेज के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैच की शुरुआत, मैच को रिज्यूम कर लिया गया है, गेंदबाजी में परिवर्तन। सलीम यूसुफ आए स्पेल का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए। सलीम यूसुफ डालेंगे चौथा ओवर स्टोपेन से जो कि बर्फ से फिलहाल ढका हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ तस्वीर लगा, मौसम थोड़ा सा खराब, क्रिकेट बहुत बढ़िया लेकिन लगातार इस थोड़ी सी बूंदाबांदी के चलते थोड़ा सा ठहराव इस मैच में भी। 20 रन बना चुके टिप टॉप के बल्लेबाज, एक बहुमूल्य विकेट गिरा। पेशेंस जी बिल्कुल, थोड़ा सा इस मैच में विलंब हो रहा है जिसके चलते